में बसती है, इनका माता पिता तो सब डेली लेबर है, कोई डेली लेबर है, कोई किसी के घर में काम करते हैं। ये बच्चे लोग सारे दिन भर, जैसे 3-4 साल पहले मैं जब इधर से आ रही थी तो देखती थी ये बच्चे लोग सारे वक्त यहाँ वहाँ खेल रहे हैं, पानी के नीचे वो मछली वगैरह पकड़ रहे हैं, और ये जो जरी वो सब ये सब लेके बेच रही है। उनका एक जैसे कुछ नहीं था, ये लोग पढ़ाई करते हैं या नहीं मुझे पता नहीं था। फिर इन लोग के पास मैं आई, मैं पूछी हर वक्त ऐसे क्यों घूम रहे हो, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो? वो लोग बोले नहीं हमको पढ़ाई के लिए मन नहीं है, उस जो जनरल स्कूल है ना इन लोग एडजस्ट करने में प्रॉब्लम दिक्कत होता था वो जनरल कास्ट लोग के साथ, तो इसीलिए इन लोग का 8-10 लोग का तो हो गया एडमिशन, लेकिन ये लोग स्कूल नहीं जाते थे। फिर 2 साल से मैं इनकी गार्डियन के पास आई, उनको समझाया कि ये बच्चे लोग तो चाहते हैं हम कुछ भी बन सकते हैं, इसको पढ़ाई के लिए क्या करेंगे? वो बोले कि मैडम हम लोग तो डेली लेबर है, हम लोग तो काम के लिए जाते हैं, लेकिन ये लोग पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसीलिए हम लोग का जो अभी क्या ट्रस्ट, वो सोचा कि ये लोग पढ़ाई के लिए नहीं जाते हैं तो हम लोग पढ़ाई को इनको इनके पास ले आएंगे, उनके अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे। जैसे ये लोग पढ़ाई अच्छे से क्यों पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उसके लिए जो पढ़ाई छोड़ रही हैं उसके लिए इंटरेस्ट हम लोग बनाए हैं। जैसे इनके पास पहले जब मैं आई 4-5 बच्चे लोग आए मेरे पास पढ़ने के लिए इंटरेस्ट के साथ, उसके बाद मैं देखी थोड़ा बहुत करके अभी तो जैसे हम लोग का 40 बच्चे लोग है अभी क्या पाठशाला में, और उनकी गार्डियन लोग भी चाहते हैं ये बच्चे लोग पढ़ाई करें, और इतना चेंजेस इन लोग का 1 साल में हो गया। जैसे ये लोग अभी इंग्लिश ओडिया और हम लोग का जनरल नॉलेज मैथ ये सब पढ़ रहे हैं, उसके साथ इन लोग को इंटरेस्ट है गाने में डांस में ड्राइंग में, इसीलिए मैं हफ्ते में 2 बार डांस क्लास भी इन लोग के लिए कराती हूँ, और एक कोरियोग्राफर आते हैं इनको सिखाते हैं, और अभी तो बहुत कुछ इन लोग सीख गए हैं। वो कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई मॉडल बनना चाहते हैं, कोई हीरो बनना चाहता है, तो ये सब मैं बोली ये सब तुम लोग कर सकते हो अगर तुम पढ़ाई करोगी। यहाँ तो बहुत दिक्कत आते हैं, जैसे इन लोग को पहले मैं आके एक यूनिफॉर्म दी, क्योंकि इन लोग के अंदर एक रहेगा नहीं हम स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। फिर बाद में यहाँ तो कोई स्ट्रक्चर नहीं है, घर नहीं है, सोच रही हूँ कुछ घर वगैरह हो जाए तो बच्चे लोग सारा प्राइमरी जो एजुकेशन है यहाँ से शुरू करके उनको हॉस्टल में, ये लोग तो सब ट्राइबल है ना, तो इन लोग के लिए गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारा स्कीम है, लेकिन ये लोग स्कीम लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। तो मैं सोच रही थी इनको थोड़ा प्राइमरी एजुकेशन देके गवर्नमेंट की हेल्प लेके इन लोग को एडमिशन कर दूंगी, हॉस्टल में रख लूंगी, तो 2-4 बच्चे जब जाएंगे अच्छे बन के, कोई डॉक्टर कोई पुलिस कोई टीचर अच्छा बन के आ जाएंगे तो उसको देख के सारे बच्चे लोग भी पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट करेंगे और ऐसे इधर उधर घूमेंगे नहीं। डैडी मजदूर करते हैं या कहीं घर पे काम करते हैं बाबूजी का घर पे, और हमारा पाठ पढ़ने के लिए बहुत कम, उसलिए भी पैसा नहीं होती है, इसलिए मम्मी डैडी मजदूर करते हैं। नहीं यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है, मगर बहुत खुशी लगता है हमको यहाँ पे पढ़ने के लिए। जब भी मैडम आती है तो हम नमस्ते करते हैं और सब पढ़ाई करते हैं। मेरे भाई बहनों यहाँ पर जो भी है सब बहुत अच्छे, अगर पहले तो ऐसा भी नहीं कर पाती थी, अच्छा से पढ़ नहीं पा रही थी ना भी नहीं लिख पा रही थी, और अभी बहुत ज्यादा पढ़ती है, और मैम जब भी आती है सबको प्यार करती है।